सनबंध मूल को। प्राणाधार सुंदर शाह जी सनंद के इस प्रकरण में कलश की वाणी में जो इंद्रावती जी ने विरह किया है उसके कुछ प्रकरण सनंद के शुरू में रखे गए हैं, 10-12 प्रकरण। कुछ शब्दों का रूपांतरण है, बाकी भाव एक जैसा ही है। जैसे उसमें हिंदुस्तानी की भाषा है तो इसमें हो सकता है कि उर्दू फारसी के शब्द मिलेंगे, बाकी जो पीछे के प्रकरण है उसमें मोहम्मद साहब ने जो कुरान में जो कहना चाहते थे उसको सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में महामती जी ने उसका जो आशय है वो सनंद की चौपाइयों के रूप में इन प्रकरणों में लगभग 30 प्रकरणों में बताया है। लेकिन ये प्रकरण कलश में भी खोजेंगे तो इसका भाव मिलेगा। कह रहे हैं संबंध मूल को। संबंध एक लौकिक होता है और एक अलौकिक संबंध होता है, आध्यात्मिक संबंध कह सकते हैं। लौकिक संबंध केवल कालमाय के ब्रह्मांड में ही होता है, लेकिन जीव का भी संबंध कालमाय के ब्रह्मांड तक ही रहता है। जीव की उत्पत्ति कहां से होती है? सर्वप्रथम नारायण की उत्पत्ति हुई, तो नारायण कहाँ से उत्पन्न हुए? कहाँ उत्पन्न हुए? मोहसागर के अंदर। मोहसागर भी कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर ही है। और जब नारायण ने संकल्प किया कि मैं अकेला हूँ, मेरी जैसी चेतना इस संसार में अनेकों हो जाए, तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो कालमाय के अंदर ही उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें पौराणिक कथनों को अगर मानते हैं तो 14 लोकों का ब्रह्मांड कहा जाता है। तो 14 लोकों में नीचे के लोक, ऊपर के लोक सारे मिलाकर के, पृथ्वी लोक, स्वर्ग, वैकुंठ इत्यादि लोक मिलाकर के 14 लोक कहे जाते हैं। यदि कोई जीव भाव से चाहे स्वर्ग की उपासना करे, चाहे कोई वैकुंठ की उपासना करे, चाहे निराकार तक की भी उपासना करता है, तो उससे आगे तो नहीं जा पाता। चाहे स्वर्ग में पहुंचे, चाहे वैकुंठ में ब्रह्मा, विष्णु या शिव को, किसी को भी अपना आराध्य मानता है और वहां पहुंच जाता है, तो गीता क्या कहती है? छिन्न पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। अपने पुण्य कर्मों का फल समाप्त होने के बाद में फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, दोबारा मानव जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्मों के अनुसार वो जीव इस प्रकृति के अंदर विचरण करता ही रहता है। तो ये अलौकिक संबंध तो नहीं हुआ, लेकिन जो आत्माओं के बारे में कहा जाता है, ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टियों के बारे में कहा जाता है, या फिर तारतम वाणी की दृष्टि पर चाहे जीव सृष्टि भी क्यों ना हो, ये प्रकाश या कलश में ही है। एक प्रकरण, मेरे जीव सुहागी रे। सुहागी किसको कहा गया? जिस तरह से आत्मा को एक सुहागी नार कहलाने का अधिकार है, उसकी परातम मूल मिलावे में विद्यमान है जो श्यामा जी के समान है, और श्यामा जी अक्षरातीत राज्य की आनंद स्वरूपा है और ब्रह्मात्माएं उनकी ही अंग रूपा है। उस परातम का प्रतिबिंब यानी आत्मा स्वरूप जीव के ऊपर बैठा हुआ है। जब आत्मा धनी को रिझाएगी तो जीव भाव समाप्त हो जाता है, तो उस समय जीव भी ये समझने लगता है, अपने आप को ये मानने लगता है कि मैं भी परब्रह्म की एक अर्धांगिनी स्वरूपा हूँ। इसीलिए महामती ने अपने जीव को कहा कि मेरे अंध अभागी जीव, मेरे जीव सुहागी रे। हे मेरा जीव, तुझे भी सुहागिन कहलाने का अधिकार है, तू सुहागिन है,
जब तक तेरे अंदर मैं धाम धनी की अर्धांगिनी हूँ, मैं एक ब्रह्मात्मा का स्वरूप हूँ, ये भावना नहीं आएगी। जब तक मैं जीव हूँ, नारायण की चेतना का एक प्रतिभास स्वरूप हूँ, या मैं केवल परब्रह्म की भक्ति करके अखंड होना या भविष्यों में जाना चाहती हूँ, इस प्रकार से कोई भी सुंदर साथ नहीं रह जाता। तारतम वाणी का अवतरण हुआ तो चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो, जीव सृष्टि हो, सबको ये अधिकार दिया, सबको ये चौपाई कहने का अधिकार है और सबके लिए ये तारतम वाणी दी। तो तारतम वाणी क्या कहती है? तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। ये अधिकार सबको दिया है, और केवल ये ही नहीं, सागर सिंगार की वाणी में जाकर के ये कहा, ठीक है, परमात्माओं की परात्म मूल मिलावे में विराजमान है, वो अपने परात्म में जागृत होंगी और युगल स्वरूप का दर्शन करेगी, परम धाम के अष्ट पहर की लीला में समावेश होगी। लेकिन जीव को भी ये अधिकार दिया, बदले आप दिखाओ तो प्यारी निस्बत रखे छिपाए। यदि जीव को भले अपनी परात्म ना दिखे, क्योंकि जीव की तो परात्म है ही नहीं, श्यामा जी का स्वरूप भले दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि ब्रह्मात्माओं का तो संबंध श्यामा जी के साथ है, उनकी अंग रूपा है, जीव सृष्टि का तो नहीं है। लेकिन जीव सृष्टि को भी अक्षरातीत को अपना प्रियतम मान करके रिझाने का पूरा अधिकार है, इसीलिए अक्षरातीत अपने स्वरूप का दिग्दर्शन तो उसको भी कराएंगे। जब जीव को भी ये अधिकार है कि मूल मिलावा या श्री राज्य के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें और स्वर्ग वैकुंठ निराकार से परे होकर के योग माया के ब्रह्मांड में होने वाले आठ भाइस्तों में अपनी इच्छा अनुसार, अपनी करनी अनुसार और अपनी भक्ति के रूप के अनुसार वो आठ भाइस्तों में कहीं भी जा करके अखंड हो सकता है। और ये भी कह दिया, जो अपने को परमात्मा मान करके ब्रह्म सृष्टियों की तरह प्रेम की राह पर चलता है, ताए मेले न करूं भंग, उसको भी ब्रह्म सृष्टियों की जमात से अलग नहीं करेंगे, यानी उसका जीव भी सत्स्वरूप के पहले भविष्य में उस लीला में समावेश होगा जिस लीला में परमधाम की अष्टपहर की लीला हुआ करेगी। श्री मिराज जी का जीव राज्य का स्वरूप बनेगा, श्यामा जी का जीव देवचंद्र जी का जीव श्यामा जी का रूप धारण करेगा और ब्रह्मात्माओं के जीव ब्रह्म सृष्टियों के रूप धारण करेंगे और परमधाम के अष्टपहर की लीला जैसी लीला यहाँ भी हुआ करेगी। और उन जीवों को ये पता नहीं चलेगा कि हम परमधाम से बाहर हैं, कालमय के ब्रह्मांड में हम रहते रहते जिस परमधाम मूल मिलाव की हमने संकल्प किया, जिस धाम धनी को मैंने अपने आप को मैंने अर्धांगिनी स्वरूप मान करके, धाम धनी को मैंने अपना प्रियतम मान करके रिझाया, मैं उससे अलग हूँ, उस जीव को योग माया के ब्रह्मांड में हमेशा के लिए कैसे बर्दाश्त होगा? तो वो जिस लीला में समावेश होगा वो यही सोचेगा कि मैं परमधाम की लीला में ही समावेश हूँ। और योग माया के ब्रह्मांड के आठ भविष्यों के सभी प्राणी, सभी जीव, सभी चेतना, चाहे ईश्वरी सृष्टि कहिए, चाहे जीव कहिए, चाहे चेतना कहिए, चाहे आत्मा स्वरूप ही कहिए, क्योंकि तारतम वाणी ये इजाजत देती है। दूजे घाट बिना जले क्यों जीव टल होसी आत्म। जीव आत्मा का स्वरूप कब धारण करेगा? जब वो प्रेम की राह पर चलेगा, विरह की राह पर चलेगा, अपने को धाम धन की अर्धांगिनी मान करके कालमय के ब्रह्मांड के सभी प्रकार के सुख दुखों का परित्याग करेगा और आत्मभाव से जब धाम धनी को रिझाएगा और विरह की अग्नि में, ज्ञान और विरह की दो एक ऐसी अग्नि है जिसको दर्शनों में भी कहा गया और किरंतन के अंतिम में जो पुराने प्रकरण आते हैं जो गुजराती भाषा में लिखे गए हैं उन प्रकरणों में आप पढ़ लीजिए, उसमें चौपाई आती है, गुजराती भाषा में है। चौपाई का भाव ये है कि जो तारतम ज्ञान और धनी के विरह की अग्नि पर अपने को झोंकता है उसके जीव के तीनों प्रकार के कर्म दग्ध हो जाते हैं। ब्रह्म सृष्टियों ने जिस जीव को धारण किया है उन जीवों का भी कर्म तो है ही है,
प्रारब्ध भी है, संचित भी है और वर्तमान में जो कर्म बन रहे हैं वो भी है। तीनों कर्म है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उसको भी दग्ध करना पड़ेगा, उसको भी जलाना नष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जीव प्रकृति के बंधन से तभी मुक्त होता है वो सारे अपने तीनों प्रकार के कर्मों को समाप्त करता है, जला देता है। और ये स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में, जब तक इन तीनों शरीरों में जीव उलझा रहता है तब तक ये शरीर और प्रकृति के, पिंड और प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं होता। आपने अष्ट चिरंजीवियों का नाम सुना होगा, बलि, विभीषण, व्यास, कृपाचार्य, हनुमान, ये अष्ट चिरंजीवी कहे जाते हैं। ये शरीर के बंधन से तो मुक्त हैं, जब तक दुनिया रहेगी तब तक इस प्रकृति के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार जन्म मरण के चक्र में पड़े बिना, दूसरे शरीर को धारण किए बिना, सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस प्रकृति के अंदर रह सकते हैं। और जो कई ऐसे भी हैं जो अपने स्थूल शरीर को समाधिष्ट किए रहते हैं और सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी प्रकृति के अंदर विचरण किए रहते हैं, वो कर्मों के बंधन से तो छूट गए। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, कई जन्मों तक तप किया, सत और धर्म का सहारा लिया ताकि उनके सब प्रकार के कर्म के बंधन नष्ट हो गए, लेकिन प्रकृति का बंधन तो नष्ट नहीं हुआ। जब तक प्रकृति है प्रकृति के अंदर विचरण करते हैं। उन्होंने भी अध्यात्म का मार्ग ही अपनाया था, त्याग का मार्ग ही अपनाया था और यहां तक पहुंचे, लेकिन प्रकृति के बंधन को कैसे काटेंगे? यहां तक आपने जो अध्यात्म का सहारा लेकर के संबंध निभाया वो अध्यात्म कहलाते हुए भी ये भी संबंध लौकिक ही रहा। लौकिक जगत किसको कहते हैं? जो बनता है और मिटता है, जिसमें प्रकृति परिवर्तन होती रहती है। सूरज चांद सितारे बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, इसमें ऋतुएं बदलती रहती है और हर चीज में, हर पदार्थ में परिवर्तन होता है। भले जीव प्रकृति के बंधन से परे होकर के अपने शुद्ध अवस्था में हो जाए, लेकिन केवल जीव ही शुद्ध अवस्था में पहुंचता है, प्रकृति बदलती रहती है। तो इसको भी लौकिक ही संबंध कहा जाता है। जब तक जिस ब्रह्म की प्रेरणा से, जिस ब्रह्म के हुक्म से, जिसकी इच्छा मात्र से ये अनेकों कालमय के ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, उस ब्रह्म को जब तक नहीं जानते तब तक इस प्रकृति के बंधन को नहीं काटा जा सकता है। क्योंकि आपने प्रकृति से परे किसी की उपासना की ही नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि आपने ब्रह्म की उपासना की, लेकिन ब्रह्म के नाम पर किसकी उपासना की? या तो किसी महापुरुषों की उपासना की, या स्वर्ग की उपासना की, या वैकुंठ की उपासना की, या निराकार की उपासना की। भले उसको ईश्वर की संज्ञा दिया, लेकिन प्रकृति से परे नहीं हो पाए, प्रकृति से परे का पदार्थ आपको प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए संबंध को जानने के लिए और ब्रह्म को जानने के लिए दो तरीके हैं। कोई ब्रह्मज्ञानी बनता है तो कैसे बनता है? उसको सर्वप्रथम ज्ञान की अनुभूति तो हो। इससे पूर्व की जो चर्चा हुई उसमें आपने सुना कि योगिराज शिव ने 5000 वर्षों की समाधि लगाई। 5000 वर्षों की समाधि में क्या उन्होंने स्वर्ग की समाधि लगाई, वैकुंठ की समाधि लगाई, निराकार की समाधि लगाई, या योगमय के ब्रह्मांड में उन्होंने अपनी सुरता को केंद्रित किया, या उससे परे दिव्य ब्रह्मपुर धाम परमधाम के अंदर उन्होंने अपनी सुरता को केंद्रित किया था? महेश्वर तंत्र में जो वर्णन किया है, जो योगिराज शिव को समाधि की अवस्था में जो ईश्वर और सदाशिव का ज्ञान प्राप्त हुआ, ये योग माया के ब्रह्मांड के हैं। तो जो योग माया के ब्रह्मांड को जान जाता है और उस स्वरूप का ध्यान करता है, समाधिष्ट हो जाता है और उस समाधि में वो सिद्ध हो जाता है, तो मान लीजिए कि वो योग माया के ब्रह्मांड का अधिकारी बना। लेकिन परमधाम की ब्रह्मात्माएं कहाँ किसका ध्यान करती है? श्रीराज श्री ठाकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भय,
और युगल स्वरूप के नख से सिख तक का वस्त्र आभूषण और उनके तेजोमय दिव्य स्वरूप का वर्णन है। उसका ध्यान ब्रह्मात्माएं करती है और जिसको तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है, चाहे ईश्वरीय सृष्टि हो चाहे जीव सृष्टि हो, उसी का ही ध्यान करते हैं। तो ज्ञान तो आपको, ज्ञान की धारा तो वहीं से प्रकट हुई है जो ब्रह्मवाणी आई है। ये कहाँ से आई? अक्षरातीत के हृदय में जो अनंत का ज्ञान का सागर है, वहाँ से एक बूंद इस तारतम वाणी के रूप में आई और यह तीनों सृष्टियों को प्राप्त हुआ ये ज्ञान का रस। और वो इसके द्वारा ज्ञान दृष्टि से अब क्षर जगत को भी जानती हैं, अक्षर जगत को भी जानती और अक्षरातीत को भी जानती, मूल मिलावे को जानती, ब्रह्मात्माओं के स्वरूप को जानती, श्यामा जी के स्वरूप को भी जानती है। लेकिन केवल शब्द ज्ञान से जानते हैं। यदि पूछ लिया कि ब्रह्मात्माओं की परात्म कैसी है तो कह देंगे श्यामा जी की जैसी है। श्यामा जी की कैसी है तो कहते कि उनका नूरी स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। ये तो हमने तारतम वाणी के द्वारा जान लिया, लेकिन ये तारतम वाणी के द्वारा जो जान लिया, ये तारतम वाणी कहाँ से प्रकट हुई? महामती के हृदय से। और महामती का हृदय किससे जुड़ा? उनके हृदय में साक्षात हृदय बैठे कहलाए साक्षात। उनके हृदय में साक्षात धामधनी विराजमान है और जिस धामधनी के स्वरूप का वर्णन किया, जिस धाम के स्वरूप का वर्णन किया, जिस 25 पक्षों का वर्णन किया परिक्रम ग्रंथ में, वो महामती जी ने पहली बात तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने आत्मिक दृष्टि से उसको साक्षात्कार किया, अनुभव किया, और उनके हृदय से तारतम वाणी की रसधारा प्रकट हुई जो सुंदर साथ को सर्वप्रथम ज्ञान रूप में हमारी दृष्टि को खोल देती है कि हम हद से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत की ब्रह्मात्माएं हैं। वहाँ से हमारी सुरताए काल माया के ब्रह्मांड में आई है। ये ज्ञान की दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि, जब ज्ञान की दृष्टि से हमारा ईमान परिपक्व हो जाता है, हम संसार के सुखों से और दुखों से परे हो जाते हैं। जब तक शरीर है इससे परे सर्वथा रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वैचारिक रूप से और कुछ हद तक स्वाभाविक रूप से भी परे हो जाते हैं। केवल इसकी औपचारिकता भर पूरी रह जाती है, उसके बाद में उसकी सारी विचार धारणाएं, उसके सारे हृदय का सब कुछ प्रेम अपने प्राणेश्वर धाम धनी के प्रति सर्व समर्पित हो जाता है। तो जिस तारतम वाणी के द्वारा हमने जिस परमधाम को और जिस युगल स्वरूप को जाना, परात्म को जाना, सागर और श्रृंगार की वाणी ये कहती है कि आत्मा को उसका साक्षात्कार होता है। और तारतम वाणी हमारी थ्योरी है, प्रैक्टिकल हमारे परमहंसों के जीवन है। श्री जी और सदगुरु के साथ में जिन ब्रह्मात्माओं ने अपना जीवन गुजारा, अपना समय दिया, महामती जी की बीतक हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है, जिनके साथ 500 ब्रह्मात्माएं थी और 5000 की जमात थी। उन 500 ब्रह्मात्माओं ने आने वाले सुंदर साथ के लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। बीतक के सातवें, आठवें, नौवें, दसवें प्रकरण के बीच में देख लीजिए, मूल बीतक में, उसमें लगभग 2 दर्जन सुंदर साथ के ऐसे नाम आते हैं जिस समय हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने अपने 5वें दिन की जागनी लीला को समापन किया और हमेशा के लिए समाधिष्ट हो रहे थे। उन सुंदर साथ को ये पता नहीं था कि समाधि ले रहे हैं या शरीर छोड़ रहे हैं। आज तो इतिहास प्रमाण है, और केवल इतिहास नहीं, प्रत्यक्ष घटना प्रमाण है, इसलिए हम कहते हैं कि श्री जी ने समाधि ले लिया था। लेकिन उन सुंदर साथ को ये भी पता नहीं था कि शरीर छोड़ रहे हैं या समाधि ले रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जिनके लिए हम सब कुछ त्याग करके आए, हमें सभी धर्म ग्रंथों से ये प्रमाण मिला और हमारी अंतरात्मा ने जिस रूप में हमने प्राणनाथ जी के स्वरूप को जाना, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया और आत्मसंतुष्टि हुई कि ये मेरे प्राण प्रीतम है, यही अक्षरातीत है, यही धनिधाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले ये हैं, ये जान लिया
और जिनके चरणों में अपना जीवन सौंप करके आ गए और उनको ये पता चले कि वो हमारे बीच से चाहे अंतर्धान हो रहे हैं चाहे शरीर छोड़ रहे हैं, तो उन ब्रह्मुनियों को कैसे बर्दाश्त होता। उससे पहले ही उन्होंने जिनके लिए संसार छोड़ दिया था, अब जिनमें एक रूप होने के लिए केवल एक 5 तत्व का 6 फुट का शरीर ही केवल उनके लिए बाधा था, उन्होंने अपनी सांसें बाहर की बाहर और अंदर की अंदर वहीं की वहीं उस ब्रह्म चबूतरे में बैठ करके हमेशा के लिए समाधि ले ली या अपने शरीर को छोड़ दिया, प्राण त्याग दिए और आत्मा स्वरूप से हक्की सूरज श्री प्राणनाथ जी में एकाकार हो गए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक संबंध या अखंड संबंध। और ये संबंध हमें तारतम वाणी बताती है। इससे पहले किसको पता था? किसी को भी पता नहीं था। अध्यात्म पर रुचि न रखने वाले कौन थे? सृष्टि के प्रारंभ से ही ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए और ये कह दिया कि पहले आश्रम में ब्रह्मचारी रहते हुए वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्रह्म को जाने, अपने आत्मा स्वरूप को जाने। दूसरे आश्रम में वो धन उपार्जित करें और धर्म के साथ अपने परिवार का उपार्जन करें। और तीसरे आश्रम में उसके विषय आसक्ति से मुक्त होने के लिए, चौथे आश्रम संन्यास के लिए तैयारी करें। और अंतिम अवस्था में फिर जिस ब्रह्म का ज्ञान लिया उस ब्रह्म के स्वरूप में एकाकार होने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएं और इस शरीर के रहते रहते उस परम सत्य को प्राप्त करने की चेष्टा करें, प्राप्त करें ताकि शरीर छूटने के बाद में कोई ऐसी दुविधा न रहे कि हमारा क्या होगा। तो ये नियम तो पहले से ही था, लेकिन तारतम ज्ञान के अभाव में किसी ने स्वर्ग को अपनी मंजिल बनाया, किसी ने वैकुंठ को बनाया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उस परम सत्य को जानने के 2 तरीके हैं। एक ज्ञान दृष्टि से, और वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? महामती जी की अंतरात्मा में अक्षरातीत से ही प्राप्त हुआ। और जो भी बड़े महापुरुष ऋषि इत्यादि होते हैं उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से या अपनी अंतरात्मा के अनुभूति के माध्यम से समाधि अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो साहित्य के रूप में रचना होती है और आने वाले पीढ़ी फिर उसका अनुकरण करती है। सर्वप्रथम ज्ञान दृष्टि से उसको जानते हैं, उसके बाद उस ज्ञान को जब अपने जीवन में लागू करते हैं, परिपक्व रूप धारण करता है, तो उसका साक्षात्कार करते हैं। तो जिस ज्ञान के द्वारा हम जिस परम सत्य को जानना चाहते थे, आत्मा की दृष्टि के द्वारा उस परम सत्य को जाना जाता है। तो ये हैं अपने आध्यात्मिक संबंध को जानने के तरीके। और ये केवल है स्पष्ट रूप से तो तारतम वाणी में है। एक बार ज्ञानपीठ में ही, बहुत पहले की बात है, एक सज्जन से बातचीत हो रही थी। पूछा उन्होंने कि तारतम वाणी में परमधाम का जो वर्णन किया है वो किस प्रकार से है। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से पूछा, तो मैंने भी सरल स्वभाव में जो भी राज्य की कृपा से हो सकता था उनको बताता गया। एक तीसरे सज्जन बैठे थे जिनको तारतम वाणी का पूर्ण रूप से अभ्यास नहीं था, हालांकि वो भी अच्छे ज्ञानी थे। उन्होंने बीच में आपत्ति कर दिया, तुमने ऋषियों की सारी परंपराओं का उल्लंघन कर दिया, और इतने क्रोधित हो गए कि मुझे उनके सामने जिनसे बात कर रहा था उनको कुछ आगे कह सकूं ऐसा माहौल ही नहीं रहा। वो भी चाहते तो थे, लेकिन उनकी जहाँ निष्ठा थी वहाँ जिस प्रकार से तारतम वाणी में एक सिलसिलेबद्ध तरीके से ब्रह्मपुरी का और ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, राज्य के स्वरूप का वर्णन है, वहाँ सब कुछ ऐसा नहीं होता था। इसलिए वो तिलमिला गए और कहने लगे कि तुमने तो ऋषियों की परंपरा, वेदों को उल्लंघन कर दिया। लेकिन वेद ने भी तो ये कहा कि जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है वो अखंड है, वो अविनाशी है, वो अक्षर ब्रह्म के अमृतमय 3 पादों से परे हैं और वो किसी प्रकृति के बंधन के अंदर नहीं आता और वहाँ प्रकृति नहीं पहुँचती। और इसी बात को किरंतन में भी कहा, काल आवत कभू ब्रह्म भवन में सो तो कबहू न हुई। तो ये स्पष्ट रूप से तो तारतम वाणी ही बताती है। और जिस समाज में ये तारतम वाणी है, तारतम वाणी के द्वारा इस रहस्य को समझते हैं और उस समाज की गतिविधि को देख करके हृदय में इतनी चोट लगती है, लगता है कि
न जाने इस समाज ने इस तारतम वाणी का अनुसरण नहीं किया, या उनको समझ में ही नहीं आई, या समझ में आने के बाद में भी कुछ क्या इरादा है ये बात समझ में नहीं आई। ये वैसे प्रसंग तो ये संबंध और विरह का है, लेकिन हमने संबंध को कहाँ तक जाना इस विषय को दर्शाने के लिए और हमारी जो गतिविधियों को दर्शाने के लिए मैं आपके सामने प्रसंग रख रहा हूँ कि हमारे समाज के एक वरिष्ठ विद्वान ने, वरिष्ठ प्रवक्ता ने एक दिन ये कहा सुंदर साध के बीच में कि सुंदर साध जी, जो परमधाम से ब्रह्मात्माओं का कालमाय के ब्रह्मांड में अवतरण हुआ था, श्री जी ने 5,000 की जागनी कर दी, सदगुरु ने न जाने कितनों की जागनी की, और उसके बाद में 400 वर्ष बीत गए। 400 वर्ष के बाद बीच में कितने परमहंसों के द्वारा, कितने गुरुजनों के द्वारा सुंदर साध की जागनी हुई। आज 40-50 लाख से ऊपर सुंदर साध की जमात है और परमधाम में तो केवल 12,000 है। वो 12,000 आत्माएं तो श्री जी के, सदगुरु के, और उसके बाद में कुछ बाद में उनकी जागनी हो चुकी है। अब ये 40 लाख परमधाम कहाँ चले जाएंगे? परमधाम की आत्माएं जा चुकी है, अब परमधाम का रास्ता बंद हो चुका है, हम परमधाम नहीं जाएंगे। और उस महापुरुष ने ये भी कह दिया कि मैं तो योग माया के ब्रह्मांड का ईश्वरीय सृष्टि हूँ, इसीलिए भागवत की कथा सुनाता हूँ और योग माया के ब्रह्मांड तक जाऊँगा। मैं समझता हूँ उनको ये सुंदर साध के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। हम तारतम वाणी पर अपनी निष्ठा रखते हैं, हमने परमधाम का ज्ञान लिया है, योग माया के ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं लिया। हमने जिस समय अपने गुरु के द्वारा दीक्षा लिया था, उस समय भजोमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास ये मंत्र नहीं लिया था। हमने क्या लिया था? निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। और हम सवेरे सवेरे उठ करके ये कहते हैं श्री राज श्री ठुकरान जी प्रथम भूमि में विराजमान भय। इस पर हमारी निष्ठा क्यों जताई जाती? जब सीधा ही ये कह दिया जाता कि हम तो योग माया के ब्रह्मांड के प्राणी हैं, हम योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे, तो फिर परमधाम की वाणी की हमें आवश्यकता क्यों थी? इस तारतम वाणी के अवतरण की प्रतीक्षा क्यों थी? जो श्री जी ने कह दिया चेतो सबे सतबादियों धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया प्रमाण, वो अक्षरातीत प्रगटे पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरीय सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। वो अक्षरातीत इस संसार में आए तो अक्षरातीत की हम आराधना करते हैं, तो हम मूल मिलावे की इच्छा रखते हैं और अपने को ब्रह्म सृष्टि मानते हैं। और श्री जी ने और सदगुरु ने अपने समय में रहते रहते किसी को ये नहीं कहा था कि तुम परमधाम के नहीं हो, तुम्हारा संबंध अक्षरातीत से नहीं है, तुम ईश्वरीय सृष्टि या जीव सृष्टि हो, तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए अलग परमधाम की राह है, तुम्हारे लिए योग माया का या स्वर्ग वैकुंठ का अलग दीक्षा मंत्र है, ये भी नहीं दिया था। तो फिर आज क्यों वर्गीकरण किया जाता है कि हम तो परमधाम जाएंगे ही नहीं? जिन सुंदर साध की मूल मिलावे पर निष्ठा है, जिनकी युगल स्वरूप पर निष्ठा है, अपने परात्म का दर्शन करना चाहते हैं, अपनी आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिसके लिए अपनी जिंदगी दांव में लगा दिया, उनके साथ ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? क्या हमने संबंध को इसी रूप में जाना? एक लौकिक संबंध है, एक व्यक्ति शरीर छोड़ रहा था, अध्यात्म की राह पर कुछ परिपक्व हो गया और उसने अपने पूर्व जन्म को भी जान लिया। जानता था कि मैं एक पूर्व जन्म में एक राजकुमारी के रूप में था और अभी एक पुरुष के रूप में हूँ, आज वृद्ध हो गया हूँ और शरीर छोड़ रहा हूँ। उसको लगता है कि अब मैं मर रहा हूँ, अब मैं इस शरीर से परे हो रहा हूँ, यानी मेरा अस्तित्व समाप्त तो होने जा रहा है। एक तरफ उसका परिवार रोता है, दूसरी तरफ वो चिता पर है और उसका जीव विलाप करता है कि मैंने इस शरीर को भी छोड़ा, शरीर संसार को भी छोड़ा, अब मेरा क्या होगा? असमंजस की अवस्था में है। उस समय आवाज़ आती है, न तो तू ये शरीर है, न पूर्व जन्म की तू स्त्री है, तेरा इस संसार में कोई भी नहीं है,
एक ऋषि ने लिखा कि सांसारिक परिवार का निर्माण कैसे होता है। जैसे लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे नदियों के द्वारा प्रवाहित होकर के समुद्र में पहुंचते हैं और समुद्र के वेग में उसकी लहर के उतराव डुबाव में कभी कभार वो एक दूसरे से टकराते हैं और बिछुड़ने के बाद में दोबारा कभी नहीं मिलते। इसी तरह से जीव अपने कर्मों के फल भोगने के क्रम में इस संसार में उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी तृष्णा के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार वो कहाँ किस परिवार में पहुँचता है और एक बार उस परिवार में जाता है तो शायद दोबारा कभी उस परिवार में मिले ही नहीं। जब अभिमन्यु से मिलाने के लिए उनके पिता को वैकुंठ स्वर्ग ले जाया गया था और उनके पिता ने अभिमन्यु से गले लगने की इच्छा की तो अभिमन्यु ने कहा था कि ये पिता, उन्होंने पिता का संबोधन भी नहीं किया, शायद उनका नाम ही लेकर के कहा था कि एक जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र रहा लेकिन तुम कितने जन्मों में मेरे पुत्र रहे और मैं तो एक जन्म में तुम्हारा पुत्र रहा और मैं कितने जन्मों की अपने पिताओं को देख रहा हूँ, आज ये नहीं समझ पाता कि कौन से मेरे सचमुच के पिता है, मैं किसको पिता कहूँ और मैं अपने आप को किसका पुत्र मानूँ, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। आप केवल मुझे मेरे इस शरीर को एक जन्म को देख रहे हो, मैं अब कितने जन्मों को देख रहा हूँ कि कितने मेरे पिता हैं, कितने माता हैं, कितने पिताओं को मैंने अपनाया, कितनी माताओं का स्तनपान किया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही कि कौन सी मेरी माता है और कौन से मेरे पिता हैं और कौन से पिता का सचमुच का मैं पुत्र हूँ, मैं इस चीज को नहीं जानता। तो ये संसार के जीवों की कहानी है, लेकिन अक्षरातीत क्या कहते हैं? महामती जी भले सुंदर साथी कहते हैं, तो महामती की आवाज़ है कि संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़े न जाए, ये मेरे मूल संबंध है, मैं एक पल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। भले ये महामती जी ने अक्षरातीत का साक्षात्कार किया, प्रत्यक्ष रूप से देखा और उन्होंने इस भाव को प्रकट किया, लेकिन धामधनी भी तो ये कहते हैं कि रूहों मैं रह न सकूँ रू बिना और रू रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तो सहे न बिछुआ किन। आपके अक्षरातीत भी तो ये कहते हैं कि हे आत्माओं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। संसार का संबंध कितने का था? केवल एक जन्म का था, लेकिन अक्षरातीत का संबंध काल माया के ब्रह्मांड में आए तो कितने वर्ष हुए? साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजिए मोमिन उतरे तब। श्यामा जी के साथ में विक्रम संवत 1638 में ब्रह्मात्माओं का अवतरण हुआ, ये तो कालमाया के ब्रह्मांड में हुआ था। जब ब्रज में आए थे तो कितने बरस हो गए? ब्रज लीला होने के बाद में रास में आए थे तो ये तो हजारों बरस हो चुके हैं। और तब से अक्षरातीत ने यदि अपनी आत्माओं को नहीं छोड़ा, तुमने 5 बार शरीर धारण किया तो 5ों बार मैंने भी कालमाया के ब्रह्मांड में शरीर धारण किए और तुम्हारे साथ साथ हूँ और जब तक मूल मिलावे में परातम में तुम्हारी सबकी सुरता नहीं जागती, पौड़ी भेले जागसी भेले खेल देखिया सब एक, बातें करसी जुदी जुदी विध विध की विषेक। जब तक सबकी सुरता एक साथ मूल मिलावे में जागृत नहीं होगी तब तक तुम्हारे साथ कालमय के ब्रह्मांड में रहूंगा और तुम्हें साथ ले करके जाऊंगा। जो तारतम वाणी से ये कहता है और तारतम वाणी पढ़ करके हम ये कहते हैं कि हमारे साथ अक्षरातीत का कोई संबंध ही नहीं है। मान लीजिए आपका संबंध नहीं भी है तो भी कलश की वाणी ने ये इजाजत दे दिया, प्रकाश की वाणी ने ये इजाजत दे दिया कि आपने धाम धनी को अंगना भाव से प्रेम पूर्वक ब्रह्मात्माओं की भांति प्रेम पूर्वक रिझाया तो सत्स्वरूप के पहले भविष्य में ब्रह्मात्माओं के लीला में तुम भी समावेश होगे और सभी सब पूजे प्रतिबिंब हमारे सोभी अखंड में ऐसी भई। योग माया के सातों भविष्यों के सभी प्राणी ब्रह्मात्माओं का स्वरूप मान करके उनको पूजेंगे यानी उनका सम्मान होगा,
और उनके अंदर यही भावना होगी कि हम परमधाम के 25 पक्ष के अष्टपहर की लीला में ही समावेश हैं और वो सुख ले रहे हैं। जब आपको ये अधिकार दे दिया गया तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि हम केवल योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के सीमित हो जाएंगे? ये कोई संबंध की पहचान नहीं है। महामती कहती हैं, संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, मैं एक पल के लिए भी इस मूल संबंध को नहीं छोड़ सकती। अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आद थे दियो उड़ाए। अब छल बल, छल यानी माया स्वरूप जो हमारे साथ छल होता है। एक तो अज्ञानता की अवस्था में हम असत को ही सत मान बैठते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण उस परम सत्य से बहुत दूर रहते हैं, और जान भी जाते हैं तो केवल ज्ञान दृष्टि से हम जान लेते हैं। स्वाभाविक रूप से अंतरात्मा से उसकी अनुभूति होने में बहुत समय लगता है और उसमें साधना की, प्रेम और विरह के मार्ग से गुजरना होता है। उसमें माया के कितने प्रकार से माया हमें छलती है, ठगती है, लेकिन जिसने मूल संबंध को जान लिया वो देखने भर के लिए संसार में है, संसार की सारी गतिविधियों को अपनाता है, भले वो गृहस्थ में है, भले वो संसार के धन संपदाओं का उपभोग करता है, लेकिन किस रूप में करता है? केवल गुजारा करने के लिए करता है। ये नहीं, धर्म ये नहीं कहता कि आपने जिस परिवार को अपनाया है उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए, उस परिवार से अलग हो जाइए और उस परिवार को नज़रअंदाज कर दीजिए, ऐसा नहीं। कुछ लौकिक जिम्मेदारी होती है। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है शारीरिक धर्म होता है, एक पारिवारिक धर्म होता है, एक सामाजिक धर्म होता है, एक राष्ट्र धर्म होता है, और एक आत्मा का धर्म होता है, वो आध्यात्मिक और सभी प्राणियों के द्वारा किए जाने वाला होता है। शारीरिक धर्म इंडिविजुअल रूप से होता है, पारिवारिक धर्म परिवार का आप कौन से सदस्य हो, आप पुत्र हो, पुत्री हो, बहू हो, माता हो, पिता हो, आपको किसकी भूमिका निभानी है? आपने पुत्र पुत्रादि को जन्म तो दिया लेकिन ये माया का संसार है करके उनको इस तरह से बर्बाद कर दिया कि न उनको संसार में रहने योग्य बनाया, न पढ़ा लिखाया और न अध्यात्म की कुछ शिक्षा दी, आप तो अलग हो गए और उनको डुबा दिया। ये कोई आपका पारिवारिक धर्म नहीं है और आध्यात्मिक धर्म भी ये नहीं कहता, लेकिन उसमें रहिए, जल में नहाइए, कोरे रहिए। उस सारी जिम्मेदारियों को निभाना हमारा अपना निजी कर्तव्य है, ये पारिवारिक धर्म है। और एक सामाजिक धर्म होता है, समाज के लिए जो हमारा कर्तव्य बनता है उचित रूप से उस कर्तव्य को निभाना, ये सामाजिक धर्म है। और उसके बाद एक राष्ट्र धर्म होता है कि राष्ट्र के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को हमने कितना निभाया और कितना नहीं निभाया। और अब तक के जितने भी धर्म गिनाए गए हैं ये लौकिक धर्म है। हमारा शरीर भी अनित्य है, परिवार भी अनित्य है, और संसार भी अनित्य है, और ये राष्ट्र भी, जब संसार रहेगा तो राष्ट्र रहेगा। लेकिन उससे परे एक अलौकिक धर्म है, वो चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे चार जात 36 वर्ण किसी में भी हो, सभी मनुष्यों का, देवताओं का, और माने तो राक्षसों का भी, क्योंकि राक्षस भी मनुष्य से ही बने हैं, देवता भी मनुष्य से ही बने हैं, और मनुष्य तो मनुष्य है ही है। तो सबका ये एक धर्म होता है कि मैं कौन हूँ और इस प्रकृति और शरीर के बंधन से परे होने का मेरा कौन सा मार्ग है, वो कौन सा ज्ञान है जिसको मैं आत्मसात करूँ, जिस पर चल करके मैं अपने आत्मा स्वरूप को और उस परम तत्व को साक्षात्कार कर सकूँ और प्रकृति और शरीर के बंधन से परे हो सकूं। इसके लिए जो बाधा आती है उसको कहते हैं छल, उसको कहते हैं माया। लेकिन जिसके अंदर एक अटूट निष्ठा है, वित्तक में एक जगह
प्रसंग आता है दिल्ली में, जहाँ गोविंद भेड़ा का प्रसंग आता है, उसमें श्री जी ने कहा जिसके अंदर तारतम ज्ञान का प्रकाश है चाहे वो 5 वर्ष का बालक भी क्यों ना हो, यदि यथार्थ रूप से उसने तारतम वाणी को जाना, आत्मसात किया, तो माया की शक्ति उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसका मूल संबंध उजागर हो चुका होता है। वो अपने आत्मा के और अपने प्रियतम के अनादि संबंधों को जानता है कि ये सृष्टि नहीं थी तब भी मेरा संबंध था, ये शरीर नहीं है नहीं रहेगा तब भी मेरा संबंध है, और ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी मेरा संबंध रहेगा, इसीलिए उसको छोड़ना किसी भी प्रकार से मेरा आत्मा का धर्म नहीं है। जब ये ज्ञान का प्रकाश और एक अटूट निष्ठा और जिसके साथ प्रेम हो जाती है, उसके बाद में ये अवस्था आती है कि अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आद थे दियो उड़ाए। अब केवल हमारा शरीर और संसार का नहीं, पूरे काल माया के ब्रह्मांड इस मोह तत्व के अंदर माया की जितनी भी शक्तियां हैं, जिसको रास की वाणी में ये कह दिया कि माया के 13-14 हथियारों का वर्णन कर दिया, एना औद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर अने चप्पल। उसके बाद आकोट में जाकर के माया के 4 हथियारों का वर्णन कर दिया। वो भी कुछ नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति के हर पदार्थों से और माया के इन संपूर्ण हथियारों से परे आपने अपना विषय बना लिया। इसके अंदर की कोई भी चीज आपकी आत्मा का विषय नहीं है। उस अवस्था में महामती जी ने सुंदर साथ को कहा अब आपको संसार के दुख को तो छोड़ना ही, हर कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन सुख को भी छोड़ना है। दुख सुख डारो आग में ये जो झूठी माया के पिंडन देखो ब्रह्मांड सूरत राखो धाम धनी जे। केवल धाम धनी के चरणों में अपनी सुरता को केंद्रित करो और चाहे तुम पिंड और ब्रह्मांड सबसे परे हो जाओ, लेकिन शरीर भी नहीं छोड़ता और संसार से परे भी नहीं होते, लेकिन संसार में रहते हुए भी शरीर का कोई भी बंधन उसके साथ नहीं रहता। सभी प्रकार के नाते तो निभाए जाते हैं, लेकिन संबंध किसके साथ बचता है, केवल अपने प्राणेश्वर के साथ। इसको कहते हैं इस मोह को शुरुआत से ही यानी जड़ से ही उसकी मोह की डोरी उस मोह का जाल उसका समाप्त हो जाता है। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारे उस सबनास। मैंने पहले भी कहा यही दर्द यही पीड़ा और यही विरह ही सब प्रकार के बंधनों को नष्ट करने वाली है। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारे उस सबनास पर आस न छोड़े जीव को। फिर भी हमारा शरीर है तो शरीर भी तो माया का ही है। एक तरफ तो आपने कह दिया कि सब कुछ छोड़ दिया, पिंड भी नहीं ब्रह्मांड भी नहीं, और फिर यहाँ कह रहे हैं दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारे सबनास पर आस न छोड़े जीव को। जीव को एक आशा लगी हुई है, वो क्या है, करने तुम बिलास, तुम्हारे साथ बिलास करने का। इस शरीर के रहते रहते इस प्रकृति से परे होकर के उस परम सत्य को देखने की इच्छा है। आपको याद है कि नहीं, कल के प्रसंग में एक शब्द मैंने सुना बाबा फरीद की। बाबा फरीद ने यह कहा था कि जब उनका शरीर अशक्त हो गया, कौवे उसके मांस को नोचने लगे, तो बाबा फरीद ने अपने दोनों आंखें बंद करके कौवे से ये कहा कि ये कौवा तुम मेरे शरीर के सारे मांस नोच करके खा जाओ, लेकिन मेरी आंखों को छोड़ देना, क्योंकि मुझे अपने प्रियतम के दर्शन की लालच है। तो वही स्थिति यहाँ पर, इसी प्रकार का भाव कुछ यहाँ आ रहा है। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम बिलास। जीव के अंदर केवल एक आशा है तो अपने प्रियतम से मिलने का, उनके साक्षात्कार करने का, ताकि आने वाले सुंदर साथ को भी ये पता चले, ये ज्ञान हो कि इस शरीर के रहते रहते अपने प्रियतम अक्षरातीत का साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए प्रगटवाणी में ये चौपाई रख दी गई कि पिया किए अति प्रसन्न तीन बेर दिए दर्शन।
तीन बार तक राज जी ने श्यामा जी को दर्शन दिया और महामती जी को, इंद्रावती जी को दर्शन दिया, और इंद्रावती जी ने परिक्रम के ग्रंथ में कहा, जा करके देखना होए सो देखियो मेरी तो निशा भाई। जिसको देखना है उस परमधाम को देख ले, जिसको अपने आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार करना है कर ले, उनके लिए परमधाम का मार्ग खुल गया। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। धाम धनी प्रत्येक परमात्माओं के हृदय में निस्बत से भी जुड़े हैं, और छठे दिन में उन्होंने अपना स्वरूप भी प्रदान किया है कि तुम जब चाहो तब अपने धनी के स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाओ और साक्षात्कार करो। तुम इस शरीर के रहते रहते उस स्वरूप का और परमधाम का साक्षात्कार कर सकते हो। ये वाणी में तो बता ही दिया, लेकिन जो श्री जी के सदगुरु के साथ में रहे और हमारे आदर्श परमहंसों ने इस चीज़ को प्रत्यक्ष करके हमारे लिए एक उदाहरण दे दिया और वाणी में भी ये कह दिया, ऐसी वाणी जिसके पास हो, जिसके घर में हो, और उन सुंदर साथ को इस वाणी का कोई क्या महत्व है वो न जाने तो कितने दुख की बात है। चलते चलते अंतिम में मेरा समय पूरा हो रहा है, एक घटना मैं बताता हूँ जो मेरे साथ ही घटी है। एक सुंदर साथ थे, उनको मैं काफ़ी समय से जानता था, उनकी चार पीढ़ियों को जानता हूँ। चार पीढ़ियों से मेरे देखते देखते वो सुंदर साथ हैं, जिनसे मेरी ये बातचीत हुई मैं आपको कहने वाला हूँ, उनको भी जानता हूँ। उनके पिता माता भी सुंदर साथ थे, उनके पुत्र पुत्रादि भी हैं, और उनके बच्चों के भी बच्चे हुए वो भी सुंदर साथ हैं। उनसे मैंने कहा, क्या आपके घर में तारतम वाणी है? जो घर में सेवा करते होंगे सवेरे शाम, आपने कुलजम स्वरूप की वाणी तारतम वाणी को घर में पधराया है? बड़े भाव भरे शब्दों में उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनकी अज्ञानता को मैं क्या कहूँ। उन्होंने ये कहा, देखिए मैं गृहस्थ हूँ, मेरे घर में गाय बंधी हुई है, सवेरे घास काटता हूँ, दिन में खेत में काम करता हूँ, शाम को गोबर उठाता हूँ, सवेरे गोबर उठाता हूँ, मल मूत्र में लथपथ हो जाता हूँ और पसीनों में लथपथ हो जाता हूँ, और तारतम वाणी घर में लाऊँगा तो भोग तो लगाना ही पड़ेगा। सवेरे दोपहर शाम को तीन टाइम भोग लगाना, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अब इस अवस्था में मैं जा करके सेवा करूँ, ये पाप का बोझा मैं नहीं ढो सकता। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक तो काल माया का ब्रह्मांड ऐसा जिसमें शंकर जी जैसे महायोगी ने 5000 वर्षों की समाधि लगाई और उमा को ये कहा कि मैं समाधि में जिस ज्ञान को मैंने सुना वो तुम्हें सुनाता हूँ, और थोड़ा सा योग माया के ब्रह्मांड का ज्ञान देना चाहा और पार्वती को हजम नहीं हुआ, नींद आ गई। और उससे परे का ज्ञान हमें धाम धनी ने दिया, और कैसे दिया, जाने के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे, और ला करके दिया, और सागर और श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन कर दिया, स्वरूप का वर्णन तो कर दिया, और ये भी एक प्रकरण रख दिया खुले अंग छाती का वर्णन, ताकि आशिक आत्माएं अपने प्रियतम को उनकी शोभा का हर प्रकार से सुख ले सकें। उन्होंने संसार में अपने सौंदर्यता का बखान कराने के लिए तो ये तारतम वाणी में अपने श्रृंगार का वर्णन नहीं किया होगा, ताकि ब्रह्मात्माओं के हृदय में ये स्वरूप बस सके, और जिनको ला करके अपने हाथ में दिया और वो सुंदर साथी ये कहे कि ये तारतम वाणी घर में ला करके पढ़ने पढ़ाने और सेवा करने का अपराध नहीं कर सकता हूँ, तो ये आई किसके लिए आई थी? हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, ये किसके लिए है? यदि इस ज्ञान को सुनने वाला नहीं सुन सकता, सुनाने वाला नहीं सुना सकता, और अनेक प्रकार के गपुलों को और कथाओं अजामिल और धंधुकारी की कथा सुन करके हम परम धाम जाएंगे, हम परात्म को जान सकते हैं, हम युगल स्वरूप को जान सकते हैं? ठीक है, अध्यात्म के पिपासुओं को ज्ञान किस तरह से लेना चाहिए, जिस तरह से एक भावरा प्रत्येक फूल में बैठ करके उसके पराग को चूसता एकत्रित करता है, उस तरह से ज्ञान को अपने अंतरात्मा में साथ कर लेनी चाहिए।
लेकिन इसका तात्पर्य तो ये नहीं होता कि जो तुम्हें ब्रह्मवाणी मिली है उसका ही परित्याग कर दो और कुछ और ही पिलाने लग जाओ। यह समाज का बहुत बड़ा दुखदायी विषय है। इन विषयों पर सुंदर सात को चिंतन करना चाहिए और जिनके कानों तक की ब्रह्मवाणी की आवाज़ जाती है कि ब्रह्मात्माओं को केवल मूल मिलावे तक परम धाम तक ले जाने के लिए केवल है तो तारतम वाणी है, अन्यथा इसके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मार्ग हमें सूझता नहीं जिसके द्वारा हम युगल स्वरूप को जान सकें, अपने संबंध को जान सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। चौपाई दुराएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सच्चिदानंद धाम धन की। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारो सब नास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।